नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ में। एमसीडी सदन की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। कई मुद्दों पर आज सदन में हंगामे के आसार हैं। एमसीडी सदन की बैठक का एजेंडा तय है। देखिए, मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने एजेंडे के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 5,000 कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा आज बैठक के दौरान पेश किया जाएगा। वहीं डीबीसी कर्मचारियों को एमटीएस में बदलने का एजेंडा भी रखा गया है। एमसीडी के खाली भवनों में कम्युनिटी रीडिंग रूम खोलने का भी आज प्रस्ताव बैठक के दौरान रखा जाएगा। ये तमाम मुख्य मुद्दे हैं जो कि इस बैठक के दौरान चर्चा का विषय रहेंगे। इस एजेंडे के बारे में सूचित कर दिया गया है। हम 5,000 कर्मचारियों को हम लोग पक्का करना का जो हमने वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले, हम उस वादे को, उस प्रक्रिया को हम कब से शुरू कर पाए हैं, बट एक बहुत बड़ा नंबर जो 5,000 सफाई कर्मचारियों को, उनको हम रेगुलर करने जा रहे हैं। डीबीसी वर्कर जो लगभग 3100 हमारे डीबीसी वर्कर्स हैं, इनको हम एमटीएस करने जा रहे हैं, मतलब मल्टीटास्क स्टाफ बना रहे हैं, जिससे उनकी प्रमोशन होगी। बहुत ही बेहतरीन एक दिल्ली सरकार में हमने एजुकेशन मॉडल दिया, वैसा ही एक रेप्लिका मॉडल हम नगर निगम में भी लाए। अब एक जो नया प्रस्ताव हम हाउस में लगाने जा रहे हैं, अब हम एमसीडी प्रिंसिपल्स को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी है हमारी। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, आज एमसीडी की बैठक कितनी महत्वपूर्ण आज का दिन? देखिए, कर्मचारी जो अस्थाई हैं उनके लिहाज से आज एमसीडी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। 5,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाना है। ये एक बड़ा आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा था जो आज शायद संभव है कि पूरा हो जाएगा। सदन से प्रस्ताव पास होने के बाद ये फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। और 5,000 जो सफाई कर्मचारी हैं, करीबन जो 15 साल के आसपास का समय बिता चुके हैं अस्थाई तौर पर एमसीडी को सेवाएं देते हुए, आज सही मायनों में उनकी दिवाली है। इसके साथ साथ एमटीएस के अंदर इनरोल किया जाएगा मल्टीटास्किंग सर्विसेज के अंदर डीबीसीज़ को, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स को। इनकी संख्या है 3112। इनको प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि डीबीसीज़ वर्कर्स की मांग भी स्थायी नौकरी की थी, लेकिन इन्हें प्रमोट किए जाने से एक सकारात्मक संदेश इन वर्कर्स में भी जाएगा कि कम से कम सुद प्रशासन की तरफ से ली जा रही है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एमसीडी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भेजने की प्रस्तावना आज सदन के अंदर रखी जाएगी। इसके अलावा भी 3 महत्वपूर्ण और प्रस्ताव हैं, जैसे कि 15 अर्बन वार्ड्स को रूरल वार्ड्स के अंदर तब्दील किया जाएगा। ऐसे में जो रूरल वार्ड्स के अंदर खास एक तवज्जो दिया जाता है एमसीडी प्रशासन की तरफ से कि वहाँ पर सिविक एमिनिटीज़ पहुँचाई जाएँ, यानी कि सार्वजनिक शौचालय वहाँ पर बनाए जाएँ, सड़क बनाए जाएँ, सीवेज दुरुस्त हों, कम्युनिटी सेंटर स्थापित हों, प्राइमरी स्कूल वहाँ पर स्थापित हों, तो विकास की रफ्तार टैगिंग हो जाने के बाद कि ये रूरल इलाका है और इसको थ्रस्ट एरिया के तौर पर एक बेहतरीन मॉडल के तौर पर तैयार करना है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा होंगे। तो ऐसे 15 वार्ड्स के लिए भी एक तरह से दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा 2 कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट प्लांट लगाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण कारकों में से ये भी एक है कि जो डेमोलिशन का वेस्ट है, अगर कोई घर गिरता है या कोई घर या बड़ी इमारत कंस्ट्रक्ट होती है तो उनका जो वेस्ट होता है वो वायुमंडल के अंदर फैलता है और हवा की रफ्तार अगर कम होती है तो वो वहीं पर ठहर जाता है। लिहाजा उनको डंप सही तरीके से किया जाए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए 2 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स खोले जाएंगे, इसकी प्रस्तावना रखी जा रही है। और स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है कि अभी तक सर्दियों की जो वर्दी देती थी एमसीडी, उसके लिए 500 रुपयों का अलाउंस दिया जाता था। स्कूली बच्चों का, अभिभावकों का या अलग अलग एसोसिएशन का ये कहना होता था कि 500 रुपये बहुत कम हैं, इससे या तो जर्सी आ सकती है या फिर पेंट शर्ट आ सकती है। उस राशि को बढ़ाकर सभी स्कूलों के छात्रों को 1100 रुपये अब दिए जाएंगे, 600 रुपये की उसके अंदर वृद्धि की जा रही है। ये मुख्य तौर पर प्रस्तावनाएँ हैं जो सदन के पटल के ऊपर रखी जाएंगी। विपक्ष की क्या तैयारी है, ये तो सत्ता पक्ष ये रेजोल्यूशन लाने जा रही है और चूंकि नंबर्स उनके पास बहुमत में हैं, लिहाजा ये प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएंगे, बेशक हंगामा हो या फिर शांतिपूर्ण तरीके से ही इनकी प्रस्तावना हो।
विपक्ष दो मुद्दे उठाना जा रहा है। पहला ये है कि जो एमटीएस के अंदर तब्दील किया जा रहा है डीबीसीज को, ये एक फौरी राहत है, या फिर ये कहें कि इनको भ्रम में डाला जा रहा है, एक अस्थाई पोस्ट को दूसरी अस्थाई पोस्ट क्रिएट करके टालने की कोशिश की जा रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लंबे वक्त के अंदर ऐसे डीबीसीज कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं होगा अगर वो एडमेंट रहते हैं, और बीजेपी इसको एक बड़े विरोध के तौर पर स्थापित करती है तो डीबीसीज कर्मचारियों को जो कई सालों से सरकार का काम कर रहे हैं, खासतौर पर वेक्टर बॉर्न डिसीज जब अपनी पीक पर होता है जो इस समय है, डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया, तब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको स्थायी नौकरी के लिए अपना विरोध करना चाहिए। लेकिन एसोसिएशन का भी इसके ऊपर रुख क्या रहता है, क्या वो इस प्रस्तावना से मान जाएंगे या फिर अपना आंदोलन जारी रखेंगे, ये एक विपक्ष का मुद्दा है। दूसरा विपक्ष का मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर 5,000 से ज़्यादा डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो इस तरफ संकेत दे रहा है कि दिल्ली के अंदर जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने में सत्तारूढ़ दल कामयाब नहीं हुआ है। तो दो इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी की घेरने की रणनीति है, और कांग्रेस की भी यही रणनीति है कि चूंकि डेंगू के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं, लिहाजा प्रशासन अंधेरे में तीर चला रहा है और उसको वल्नरेबल सेक्शन या फिर वल्नरेबल वार्ड या फिर उसको पब्लिक डोमेन में डालने से डेटा से पब्लिक अवेयरनेस आ सकती है, एक डिटरेंस आ सकता है कि डेंगू के अंदर जन भागीदारी भी सुनिश्चित हो। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के जो 9 पार्षद हैं इस मुद्दे के ऊपर सत्ता दल को घेरेंगे। बिल्कुल, प्रदूषण की बात करें अगर तरुण, तो प्रदूषण को लेकर आज ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है चर्चा का आज की बैठक में? देखिए, दिल्ली के अंदर इस समय पुअर कैटेगरी के अंदर पॉल्यूशन बना हुआ है, और आपने सही सवाल उठाया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तापमान के अंदर गिरावट दर्ज हो रही है लगातार, और हवा की रफ्तार भी रिड्यूस हो रही है। बीते रोज़ वो 8 किलोमीटर के आसपास औसत रिपोर्ट हुई थी, और अगर वो 5 किलोमीटर से नीचे चली जाती है और दिल्ली के अंदर दिल्ली का इनसाइड पॉल्यूटेंट बना रहता है, और साथ ही साथ पराली का धुआं भी सैटेलाइट इमेज से सामने आ रहा है कि वो देर शाम तक दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अंदर पहुंच जाएगा, और अगर हवा की रफ्तार यहाँ की जियोग्राफी के अंदर यानी कि वायुमंडल के अंदर नहीं होती है, तो जिस पराली के धुएँ को, जिस पॉल्यूटेंट इनसाइड जो दिल्ली के उपजता है वो अगर ठहर गया, तो दिल्ली का जो AQI है वो कल आशंकित है कि 300 पार चला जाएगा, जो कि अति गंभीर वेरी पुअर की कैटेगरी है। CAQM नज़र बनाए हुआ है, IMD डिपार्टमेंट के डेटा के ऊपर भी वो नज़र बनाए रखता है, और ऐसी अगर आशंका होती है तो 2 दिन पहले ही सरकारों को अलर्ट मोड पर कर दिया जाता है। अलग अलग गियर्स जो हैं ग्रैप के वो लगा दिए जाते हैं दिल्ली के अंदर, इस समय ग्रैप 2 के नियम लागू हैं, और अगर 300 के ऊपर चला जाता है और ये बना रहता है 72 घंटों तक, और कई जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वो 400 के ऊपर अगर बने रहते हैं, तो CAQM की तरफ से सख्त निर्देश जारी हो सकते हैं, और दिल्ली और NCR के अंदर ग्रैप का तीसरा स्टेज लागू किया जा सकता है। ऐसे में तमाम सख्तियां हैं, उससे निपटने की प्रशासन जुगत करेगा। MCD की बैठक के अंदर इस मुद्दे के ऊपर भी विपक्ष आम आदमी पार्टी को घेर सकता है, ये रणनीति का हिस्सा है। निश्चित रूप से। फिलहाल तरुण, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।